हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मारुति की टैक्सी रेंज की गाड़ी डिज़ायर 2S, जो कि अगर टैक्सी रेंज की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली यही गाड़ी है। ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के CNG वेरियंट की। इसमें CNG एंड नॉर्मल पेट्रोल आती है। बिकती सबसे ज़्यादा इसका CNG वेरियंट है, जो कि आपके सामने खड़ी है। एक्स शोरूम कॉस्ट है इस गाड़ी का 6,41,700 रुपीज़ सिंगल एयर बैग पे, और इसमें डुअल एयर बैग ऑप्शन आता है 6,45,900 रुपीज़ का। चलिए देखते हैं इस गाड़ी की खासियत को। तो ये देखिए, ये है डिज़ायर 2S, जो कि सेडान शेप में है। इसमें देखिए तो पीछे बैक साइड पे ये देखिए बूट का कंपार्टमेंट बिल्कुल अलग दिया हुआ है। डायमेंशन यानी इसकी लेंथ है 39.95 mm, और अगर बाकी डायमेंशन आप स्क्रीन पे चेक कर लीजिए। इसका वेट यानी इसका वजन की बात करेंगे तो कर वेट है इस गाड़ी का 1045 kg का, एंड ग्रॉस वेट है 1480 kg। इस गाड़ी का माइलेज जो है वो पेट्रोल पे है 19.95 किलोमीटर पर लीटर का, और CNG पे है 26.55 किलोमीटर पर kg। चलिए दोस्तों देखते हैं इस गाड़ी को। सबसे पहले हम फ्रंट से, तो ये देखिए ये है 2S का फ्रंट लुक आपके सामने, जिसमें देखिए अगर इसकी ग्रिल जो है रेडिएटर ग्रिल ब्लैक कलर की दी है। सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग है। फ्रंट के बम्पर्स आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं बॉडी कलर, और नीचे का जो पोर्शन है ये ब्लैक फिनिश में दे रखा है। फॉग लैंप्स इस वेरिएंट पे नहीं मिलते हैं। हेडलैम्प चेक कर लीजिए, ये देखिए बड़े साइज़ के काफ़ी ऊपर तक इसके हेडलैम्प्स गए हुए हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, उसी के ऊपर फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये रहा देखिए इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट लुक दोस्तों आपने चेक कर लिया। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो एक बार मैं आपको इस साइड से इसका साइड प्रोफाइल चेक करवा देता हूँ। ये देख लीजिए डिज़ायर 2S CNG का साइड प्रोफाइल है, अच्छे से आपको इधर तरफ से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ से आपको सही से समझ में आ रहा होगा इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। सबसे पहले आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का व्हील। तो इसमें देखिए आपको व्हील कैप्स कंपनी फिटेड नहीं मिलेंगे, बस सेंटर पे यहाँ पे हब कैप दी हुई है, और टायर साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए 165/80 R14 inch के ये व्हील्स आएंगे ट्यूबलेस टायर्स के साथ। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं साइड के टर्न इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे दे रखे हैं। मिरर्स एंड हैंडल्स इसमें ब्लैक कलर के आएंगे, और ये जो आप साइड में वेस्टलाइन मोल्डिंग देख रहे हैं जिसमें डिज़ायर की ये मार्किंग है, ये अलग से इसमें डीलर साइड से फिट की गई है, ये एज ए स्टैंडर्ड नहीं आती है। तो यहाँ से आपने इस गाड़ी का कंप्लीट साइड प्रोफाइल देख लिया। चलिए चलते हैं इसके रियर यानी बैक को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल आपके सामने, देख सकते हैं इधर से। इसमें यहाँ पे देखिए क्रोम की गार्निश दे रखी है, जो कि इस गाड़ी को बैक से प्रीमियम बनाती है। ये देखिए 2S का ये स्टिकर को पेस्ट किया गया है, इसमें एम्बलम नहीं आता है, जस्ट एक आपको स्टिकर यहाँ पे पेस्ट मिलेगा। रियर बम्पर्स फुल बॉडी कलर्स में हैं, जिसमें देखिए दो यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि बीप के थ्रू अलर्ट करेंगे जब आप गाड़ी को बैक करेंगे। टेल लैम्प्स चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए 2S का टेल लैम्प्स थोड़े से ब्रॉड यानी वाइड दिया हुआ है, बल्ब बेस्ड ये टेल लैम्प्स मिलेंगे। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पे देखिए प्लेस्ड है, और इसमें डिफॉगर्स नहीं मिलते हैं। टॉप पे माइक्रो रूफ एंटीना कंपनी फिटेड आएगा, और ये CNG वेरिएंट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट में और बैक में दोनों जगह पे ये CNG का स्टिकर को पेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल। कीज़ भी चेक करवा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके की आपको इसमें दो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ मिलेंगी, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ है। ये दोनों ही कीज़ फैक्ट्री फिटेड इंजन इमोबिलाइजर के साथ आती हैं। इन कीज़ की अगर कोई डुप्लीकेट कीज़ बना लेगा तो उस गाड़ी के इंजन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। चलिए मैं करता हूं अनलॉक इस कार को और देखते हैं इंटीरियर्स। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर कलर थीम आपके सामने, बेज एंड ब्लैक कलर का यूज़ इसमें किया हुआ है, जिसमें नीचे के पोर्शन को देखिए तो बेज कलर को ज़्यादा यूज़ मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को अंदर से लग्जीरियस लुक देता है और थोड़ा सा स्पेशियस भी लगती है बेज कलर होने की वजह से। और इसके अलावा देखिए कुछ जगह पे यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स हैं, जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को प्रीमियम बनाते हैं। फीचर्स को थोड़ी देर में एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं सबसे पहले इसके बूट को चेक करने। तो यहाँ पे देखिए ये दिए हुए हैं दो लीवर, एक तो इसमें दे रखा है ये फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, ये भी मैं ओपन कर देता हूँ, और यहीं से आप इसके टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर दूँ तो ये बीप रुक जाएगी। चलिए अब मैं चलता हूँ बैक साइड में और देखते हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर, जो कि है इसका CNG सिलेंडर। ये देखिए ये है इसमें 55 लीटर की वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला ये सिलेंडर लगा हुआ है, जिसमें तकरीबन मानिए तो 8 किलो या 9 किलो के आसपास CNG गैस आ जाती है। तो
देख लीजिए इसके सिलेंडर के साइज़ को, और इसको लगने के बाद अगर हम बूट में स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि देखिए टैक्सी ट्रिम की गाड़ी है तो अगर पैसेंजर बैठेंगे तो उनका लगेज भी होगा, तो लगेज देखिए आप इसमें इतना दिया हुआ है बूट में स्पेस, तो यहाँ पे लगेज भी रख सकते हैं सीएनजी सिलेंडर लगे होने के बावजूद। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है, कुछ आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। इधर तक देखिए तो यहाँ पे ये इसका सेफ्टी वॉल्व है, देख सकते हैं इसके डिज़ाइन को। फ्यूल इंटेक एरिया जो है वो इस साइड पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इस जगह से आप इसमें ये देखिए CNG फिलिंग वॉल्व है इस तरफ, यहाँ पे CNG स्पेसिफिकेशन प्लेट है जिसमें देखिए यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है, 55 लीटर देखिए वाटर कैपेसिटी इसके सिलेंडर की दी हुई है। और ये रहा इसका पेट्रोल इंटेक एरिया, इसमें 42 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी को, इसके यानी CNG के सिलेंडर को, जो कि इसके लिए मेन खास चीज़ है, क्योंकि सिलेंडर लगने बाद लोगों के मन में डाउट आता है कि कितना स्पेस बचता है, तो वही आपके सामने है। चलिए अब देखते हैं बाकी चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं इसके केबिन के फीचर्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम बैक सीटिंग से। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर आपके सामने, इसमें पीछे जो है वो मैनुअल विंडोज़ आती हैं। तो ये देखिए ये मैनुअल लीवर मिलेगा, नीचे तरफ वाटर होल्डर मिल जाएगा। बैक सीटिंग देख लीजिए, अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गाड़ी का, क्योंकि जब कोई इसको हायर करता है तो वो ज़्यादातर पीछे ही बैठते हैं। तो इसमें देख लीजिए इसकी बैक सीटिंग बेज कलर की है, फैब्रिक यानी क्लॉथ मटेरियल पर बनी हुई है। इधर देखिए स्पीकर लगाने के ऑप्शन दे रखे हैं, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है। बैठे हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसके अच्छे से बैक सीटिंग को। तो दोस्तों मैंने ड्राइविंग सीट को अपनी हाइट 5'8" के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है, और देखिए मेरे बैठने बाद आपको इसमें इतना लेगरूम मिलेगा। इसकी जो बैक सीटिंग है इसका कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा कंफर्टेबल मिलती है इसकी बैक सीटिंग्स। यहाँ पे रियर एसी वेंट इस गाड़ी पे नहीं आता, बस यहाँ पे सेंटर पे हम देखिए थोड़ा सा ऊँचा है, बाकी स्पेस वाइज देखिए लेगरूम अच्छा है। ये CNG वेरियंट है तो इस तरीके का यहाँ पर देखिए फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, जो कि नॉर्म्स में है। आप अगर कोई भी गाड़ी इंडिया में CNG की परचेज करते हैं तो ये साथ में मिलता है। बाकी देख लीजिए इस गाड़ी की बैक सेटिंग, सेंटर आर्म रेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। एसिस्ट ग्रिप जो है वो दी हुई है, ये फोल्डिंग टाइप। सेंटर पे यहाँ पे एक लाइट भी दे रखी है, ये देखिए इस तरीके की इस साइड पे ग्रिप्स हैं। तो बैक सीटिंग की बात करेंगे तो कम्फर्ट अच्छा मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी इस गाड़ी के लिए, क्योंकि ये है टैक्सी रेंज की गाड़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या क्या मिल जाते हैं इसमें फीचर्स। तो ये देखिए आगे के दो पावर विंडो आते हैं इसमें, तो यहाँ पे दो पावर विंडो के स्विच हैं। ये दे रखा है चाइल्ड विंडो लॉक का बटन और सेंटर डोर लॉक का बटन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे देखिए ऑटो लिखा है। ये वन टच डाउन मिल जाएगा, यानी एक बार में पूरा नीचे आ गया, बट ये वन टच अप नहीं है, सिर्फ आपको इसमें वन टच डाउन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये फैब्रिक इंसर्ट है, ये है सॉफ्ट नहीं है तो हार्ड, लेकिन फैब्रिक इंसर्ट है जिसकी वजह से कुछ देखिए प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं, पहली चीज़ तो ये CNG गाड़ी है उसके यहाँ पे नॉर्म्स लिखे हैं, और दूसरा ये गाड़ी जो है टैक्सी रेंज की है, तो इसमें यहाँ पे कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी देखिए मेंशन कर रखे हैं। इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मैप पॉकेट वाटर होल्डर है, और आगे की तरफ भी ग्रिल दी हुई है स्पीकर्स को लगाने के लिए। आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो इसके मैनुअल हैं, यहाँ पर आपको उसको ओपन क्लोज मैनुअली करना होगा। इसके अलावा इसमें जो है ये ऐसे, और ये जो ग्लासेस हैं ये ऐसे आप इसके जॉयस्टिक से एडजस्ट यानी सेट कर सकते हैं। फ्रंट की सीटिंग देख लीजिए, तो ये रही डिज़ायर टूरिस्ट की फ्रंट सीट्स आपके सामने। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। देखते हैं ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल है कि नहीं, तो नहीं इसकी ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। ये लीवर बैक रेस्ट के लिए है, और जब एक रॉड दे रखा है सीटों को स्लाइड करने के लिए। सीटों के मटीरियल मैं यहाँ से चेक करा देता हूँ, तो ये देखिए ये फैब्रिक मटीरियल में सीट है और बेज कलर में बनी हुई हैं। चलिए दोस्तों अब दिखाता हूँ इस गाड़ी का, ये देखिए डैशबोर्ड ये आपके सामने है। बैठे हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसके फीचर्स को। तो दोस्तों ये है डिज़ायर टूर एस का डैशबोर्ड आपके सामने, देख लीजिए इसकी सबसे पहले तो डिज़ाइन को इस साइड पे। इधर की तरफ देखिए यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं स्विचेस, ये दे रखा है हेडलैम्प बीम एडजस्टर, ये इसके अलार्म को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का बटन है, और ये दे रखा है इसका CNG कन्वर्टर स्विच। तो यहाँ पे आप इस स्विच से इस गाड़ी को पेट्रोल पे, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर आ रहा है, अभी ये सिर्फ पेट्रोल पे है,
और ये जब मैंने बटन को प्रेस कर दिया तो ये सीएनजी ब्लिंक करने लगी, यानी ये स्टार्ट होगी पेट्रोल पे और जैसे ये सीएनजी पे कन्वर्ट होगी इसकी सीएनजी ब्लिंकिंग रुक जाएगी। इसके अलावा एक और फीचर दिखाता हूँ मैं आपको, इस बटन को जब मैं थोड़ी देर तक प्रेस करेगा तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल हट गया, सिर्फ सीएनजी लिख कर आ रहा है। इमरजेंसी केस में आप अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और सीएनजी है तो आप सीएनजी से भी इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस इस बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करे रहिए जब तक यहाँ पर पेट्रोल का इंडिकेटर ना हट जाए। और देखिए जैसे मैंने वापस इस बटन को प्रेस किया ये इंडिकेटर वापस आ गया। तो ये है इसका स्विच जिससे आप इसको सीएनजी पेट्रोल मोड पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इवन आप सिर्फ सीएनजी से स्टार्ट कराना चाहे गाड़ी को इमरजेंसी के समय पे तो भी आप इसको प्रेस करे रहिए और कर सकते हैं। चलिए बाकी इंस्ट्रूमेंट पैनल पहले आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट पैनल का डिजाइन। राइट साइड पे जो है ये एमआईडी डिस्प्ले है, स्पीडोमीटर है, ऊपर की तरफ देखिए तो यहां पे ये दोनों इंडिकेटर्स हैं यानी निडल्स हैं। ऊपर वाली निडल जो है वो दी हुई है पेट्रोल के लिए और नीचे वाली सीएनजी के लिए दे रखी है। इधर लीवर है देखिए, यहाँ से जब इसको मैं प्रेस करूंगा तो देखिए इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। यहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इस साइड वाले लीवर्स को भी प्रेस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर से भी ट्रिप ए ट्रिप बी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्विच कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा जो कि टिल्ट दिया हुआ है। यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग को ये देखिए ऊपर नीचे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और स्टीयरिंग पे देखिए तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए एक एयरबैग दिया हुआ है ड्राइवर के लिए। इस ये सिंगल नॉर्मल वेरियंट है, इसमें एक ऑप्शनल वेरियंट भी आता है, उसमें 4200 यानी 42 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप डुअल एयरबैग वाला वेरियंट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एयरबैग और लग जाएगा। इसके अलावा इसमें ABS है और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स वो आप स्क्रीन पे चेक कर लीजिए। इस साइड पे लीवर देखिए, ये हेडलैम्प को कंट्रोल करने का लीवर है और इधर तरफ वाइपर को ऑपरेट करने का लीवर दिया हुआ है। चलिए अब आपको दिखा देता हूं इस गाड़ी का सेंटर कंसोल का डिजाइन। तो ये देखिए ये है इसका सेंटर कंसोल डिजाइन आपके सामने। यहां से आप इसके डिजाइन को चेक कर सकते हैं। एक बार मैं जरा कैमरे को ऊपर करके भी आपको दिखा देता हूं इसके डैशबोर्ड को। तो ये देखिए ये है इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन। ये दोनों चीज़ें डीलर साइड से लगी हैं, परफ्यूम एंड ड्यूमिडिटी ये दिया हुआ। इसमें हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच प्रेस करिए, सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखिए स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगा हुआ है क्योंकि ये टैक्सी रेंज की गाड़ी है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम स्पीड लिमिटेड टू 80 किलोमीटर पर आवर, यानी इस गाड़ी को आप 80 के ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। ये एक सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। इंडिया में जब कोई भी गाड़ी टैक्सी रेंज की लॉन्च तो उसमें ये डिवाइस लगाना कंपलसरी है, तो वो भी इसमें लगी हुई है। म्यूजिक सिस्टम जो है इसमें कंपनी फिटेड नहीं आता, तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस का 1 दिन या 2 दिन के म्यूजिक सिस्टम को लगवा सकते हैं। इवन आपको इसमें स्पीकर्स भी अलग से लगवाने पड़ेंगे। ये देखिए एसी आपको इसमें मैनुअल मिलेगा। नीचे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का फ्रंट का पावर आउट है। इसमें मोबाइल चार्जिंग या और भी कोई 12 वोल्ट के अटैचमेंट को लगा सकते हैं। इस साइड पर देखिए स्टोरेज स्पेस है, कप होल्डर है। इधर तरफ देख लीजिए हैंड ब्रेक इस गाड़ी का। ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ तो इसमें नॉर्मल इनसाइड रियर व्यू मिरर है। सनवाइजर्स के बैक साइड पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। इस साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया हुआ है। देखते हैं जरा इसके ग्लव बॉक्स को। तो ये देख लीजिए इसके ग्लव बॉक्स साइज को, और इधर भी देखिए एक थोड़ा सा ओपन स्पेस है, यहाँ पर कुछ सामान को रख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिए इस गाड़ी के सारे फीचर्स। ट्रांसमिशन भी दिखा देता हूं। तो ये गाड़ी 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन पे आती है और ये पेट्रोल प्लस सीएनजी वाला वेरिएंट है। ये देखिए 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लीवर आएगा, जिसमें मैं जब रिवर्स गियर लगाऊंगा बीप आई, ये बीप जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की है। पीछे जब कोई ऑब्जेक्ट पास होगा तो ये बीप कंटिन्यूस बजने लगेगी। तो दोस्तों आपने देख लिए इस गाड़ी के सारे फीचर्स। बात करते हैं हम जरा कंफर्ट की। पीछे तो काफ़ी कंफर्टेबल थी, आगे की सीटें भी जो हैं वो अच्छी कंफर्टेबल बनाई हैं। बॉडी हगिंग यानी थोड़ी सी बकेट टाइप सीट्स हैं जिसमें आप इजीली यानी आराम से कंफर्टेबली इसके सीट्स में बैठ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसकी सीटें पीछे के लिए पैसेंजर के लिए और आगे जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, क्योंकि ये टैक्सी ट्रिम गाड़ी है तो इसमें ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी गाड़ी में बिताएगा, तो उसके लिए भी इसमें आगे की सीटें कंफर्टेबल बनाई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो गई टैक्सी टूर एस के सारे फीचर्स। चलिए जरा दिखाता हूँ इसका इंजन।
दोस्तों ये है इस गाड़ी का, देखिए इंजन कंपार्टमेंट, यहाँ पे बोनट के अंदर पैडिंग को यूज़ किया गया है जिससे इंजन नॉइस यानी NVH लेवल को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए ये है इस गाड़ी का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि BS6 कॉम्प्लायंट है। इसके इंजन कंपार्टमेंट भी देखिए यहाँ पे इधर तरफ कुछ CNG के, देखिए जैसे प्रेशर गॉज और रिड्यूसर लगा हुआ है, कुछ पार्ट्स को यहाँ पे लगाया गया है। इसमें SCNG के नाम से मारुति देता है, बहुत ही एडवांस CNG है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस गाड़ी पे मिलेगा। इसके अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे इंजन की, तो ये इंजन 1.2 लीटर यानी 1197 CC का है, 61 किलोवाट का पावर जनरेट करेगा 6000 RPM पे पेट्रोल पे। वहीं पे जब इस गाड़ी को आप CNG पे ड्राइव करेंगे तो पावर रह जाएगा 52.5 किलोवाट का। टॉर्क 113 Nm का है 4200 RPM पे पेट्रोल पे, और CNG पे हो जाएगा 95 Nm का 4000 RPM पे। माइलेज वाइज जो इसमें क्लेम किया गया है ARAI माइलेज, पेट्रोल पे 19.95 किलोमीटर पर लीटर का और CNG पे है 26.55 किलोमीटर पर KG। तो दोस्तों आपने देखी मारुति सुजुकी डिज़ायर टूर एस जो कि टैक्सी ट्रिम की गाड़ी है। आज मैंने आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर्स और सारे फीचर्स दिखाए। अब आप बताइए आपकी इस गाड़ी के बारे में क्या राय है, अगर आप टैक्सी ट्रिम की कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी प्रेफर कर रहे हैं, डिज़ायर या कोई और, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।